हाय एवरीवन, मैं विकास, आप कैसे? मैं प्रकाश। आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़कर चल रहे थे एक न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ग्रोथ क्या थी, डेवलपमेंट क्या था, और उसके बाद में हमने डिस्कशन करा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स क्या करते हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे डियर, वो अपन क्या करेंगे, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में पढ़ते हैं कि अपन किसे एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का कह सकते हैं या कहा जाए ए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। अब देखिए, ए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी मतलब एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद में आप कब उसे हेल्दी कह सकते हैं। विच पैरामीटर्स आर फॉलो दे शोड ए न्यूबॉर्न बेबी हेल्थ। आपको वो पैरामीटर से बताते हैं कि आपका जो बच्चा है वो क्या है, हेल्दी है। तो सबसे पहले अपन क्या देखकर चलते हैं डियर, सबसे पहले हम देखकर चलते हैं उस बच्चे के वाइटल साइंस। क्या देखते हैं हम, सबसे पहले किसी भी बेबी का बर्थ हुआ और बर्थ के वक्त हम उसे क्या देखा जाता है, उसके वाइटल साइंस देखे जाते हैं। बिकॉज वाइटल साइन बॉडी के वो परफेक्ट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, उस बात पे फोकस करा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिएगा, तो देखिए वाइटल साइन की जब हम बात करते हैं तो चार पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, टेम्परेचर को पढ़ते हैं, दूसरा हम पल्स को पढ़ते हैं, तीसरा हम रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं, और चौथा हम किसको पढ़ते हैं, बीपी को। अब एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो, पल्स कितनी हो, रेस्पिरेशन कितनी हो और बीपी कितनी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक बच्चे का 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके बीच में आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, समझ में आएगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। जबकि हम पल्स की बात करें तो पल्स रेट होती है 120 से लेकर 160 बीट, बीट नहीं बेटा जी, बीट पर मिनट। अगर आपसे एग्जामिनर एक ही परिभाषा दे और एक शब्द में पूछे तो कितनी होती है, 140 बीट पर मिनट होती है। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। या तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखकर चलना है। फिर बात आती है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है 30 से लेकर 60 बीट पर मिनट। यहां बीट नहीं बोल रहा हूं, यहां ब्रीथ बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर यहां पर भी तुमसे पूछे अप्रोक्स बताइए, तो अप्रोक्स यहां पर भी बताकर चलिएगा कि 40 ब्रीथ पर मिनट होता है एग्जैक्ट, अगर आपसे एक ही डाटा पूछे। अगर ब्लड प्रेशर की बात जहां पर करी जाती है तो 80-60 तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक। कौन सा ब्लड प्रेशर होता है 80-60 तो सिस्टोलिक होता है, ये तो सिस्टोलिक है। और अगर डायस्टोलिक की बात करें तो 60-40 के अराउंड क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब देखो, अब अपन बात करें, जैसे मैं लिखूं, जैसे अपन क्या लिखते हैं नॉर्मल रेशियो में, अपन लिखकर चलते हैं 120/80 mm of Hg। इज दैट क्लियर? पर अगर यहां पर बच्चे के लिए लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 80/60 mm of Hg लिखकर चलते हैं। ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर आपको क्या करते हैं, शो करते हैं, किस बात को शो करते हैं कि आप ये देखकर चल सकते हैं किसी भी बच्चे का हेल्दी है वो बच्चा कि हेल्दी वो नहीं है, इस बात को क्या करते हैं पैरामीटर, शो करते हैं। अगर किसी बच्चे के ये पैरामीटर शो कर रहे हैं, ये चीजें शो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बच्चा है वो क्या है, एक हेल्दी न्यूबॉर्न है। समझ में आई बात? चलिएगा भाई, अब आपसे एग्जामिनर क्या कहता है, वेरी गुड, आप इन डाटास के बारे में जानते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर एग्जामिनर एक और बात पूछता है, लड़िया दिया पर एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि हमें ये बताइएगा कि बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन, मैंने पहले भी बताई हुई है ये कहानी कि बच्चे में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है जहां से टेम्परेचर को क्या किया जाता हो, असिस्ट करा जाता हो।
तो हमें डायरेक्ट आंसर देना है बिना सोचे समझे एक पल की भी देरी के लिए कि एक्सिला से मोस्टली बच्चे का क्या किया जाता है, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर असिस करा जाता है, सॉरी एक्सिला नहीं होता, बच्चे का जो टेम्परेचर करा जाता है मोस्ट कॉमन साइन जो होती है टेम्परेचर असिस करने की वो एक न्यूबॉर्न बेबी में होती है डियर रेक्टम। क्या होती है? रेक्टम। और रेक्टम को ही क्या माना जाता है, इसे मोस्ट रिलायबल मेथड माना जाता है, इसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है, और मतलब ये बोल सकते हो कि ये वो परफेक्ट डाटा है जो आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू यही है, एग्जैक्ट टेम्परेचर यही आएगा। समझ में? अब देखो आपको बता दें कि वो टेम्परेचर जो मैं बता रहा था 37.5 बता रहा था, ये कहां का टेम्परेचर था? ऑरल का। ठीक है, अगर रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं तो हमें पता है कि यहां पर क्या होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा आएगा ओरल से, और अगर एक्सिला में देखेंगे तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आएगा, कम आएगा ड्यू टू मॉइस्चराइजेशन। आप सभी को पता है रेक्टम में ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि यहां पर ब्लड सप्लाई जो होती है वो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स वहां पर वाटर का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर आप लोग देखते हैं। इतनी बातें समझ में आई और नहीं आई, फटाफट से मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए इतनी बात समझ में आई, नेक्स्ट डाटा की तरफ चलते हैं। तो किसी न्यूबॉर्न बेबी की ही बात करें तो उसके अंदर ब्लड की वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे में कितना ब्लड होता है। जैसे अपन नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं तो 4 से 5 लीटर 5.5 लीटर तक हम क्या बताकर चलते हैं, ब्लड बताकर चलते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन में। बट अगर आपसे बच्चे के बारे में पूछा जाए तो आपको बताकर चलना पड़ेगा। भैया क्या बताकर चलना पड़ेगा, सुनिएगा कि आप क्या करते हैं, एक जो बच्चा है जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है उसके अंदर ब्लड कितना होता है, उसके अंदर अपन ब्लड मारकर चलते हैं 80 ml/kg/body weight। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि 80 ml ब्लड है 1 किलो में। अब डिपेंड ये करता है कि जैसे किसी बच्चे का वजन जो है वो कितना है, 2.5 किलो मान लेते हैं, या फिर मैं कह दूं सिंपल सी सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या कहते हैं कि किसी बच्चे का वजन 3 किलो है, 3 गुना कितना कर दूं डियर, 3 गुना 80 कर दूं, टोटल ब्लड कितना हो जाएगा बताओ, 8 * 3 = 24 और 0 का 0 मतलब कितना ब्लड हो गया, ऑफकोर्स 240 ml ब्लड जो है इस बेबी के अंदर है, कितना है 240 ml। तो ये कुछ डाटाज हैं जो आप लोग क्या करके चल सकते हैं भाई, ध्यान रखकर चलते हैं या फिर आपको ध्यान रखने ही रखने होते हैं। साथ ही में एग्जामिनर एक और बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एग्जामिनर ये कहता है कि बच्चे के अंदर आरबीसी जो है, इस आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन बोलूं तो कि ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, तो बच्चे में लाइफ स्पैन आप आरबीसी पूछा जाए तो कितना होता है डियर, 80 डेज होता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे किसमें पूछ लिया गया हो एग्जामिनर ने कहा कि अडल्ट पर्सन है और उस अडल्ट पर्सन में आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, तो फिर आंसर जाएगा 120। देखो डाटा छोटे हैं बट क्वेश्चन इतने हैं कि एग्जामिनर हर बार आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा घुमा कर पूछता रहता है, तो आपको भैया ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आएगा, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट चले अपन, नेक्स्ट कुछ ब्लड वॉल्यूम के बारे में देखा। अब ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, है जी, कार्डियक आउटपुट है, इनकी बात अगर हम करें तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए हम बात करें किसी बच्चे में आरबीसी कितना है, रेड ब्लड सेल्स कितनी है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितने होते हैं, और लगे आपकी एक और बात बता देना यहाँ पर कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है। देखो नॉर्मल हेल्दी पर्सन की अगर बात करें तो आपको पता है 4.5 से 6 लाख के अप्रोक्स कितनी होती है आपकी आरबीसी होती है, बट अगर बच्चे की बात करें तो 6 से 8 कितनी होती है, 6 से 8 million/mm³ होती है, 6 से 8 million/mm³ या जो लगाते हैं अपन, आप यूनिट लगाकर चलिएगा, ठीक है, 8 million/cubic mm होती है, ठीक है, इस तरीके से लिखता है शायद क्यूबिक एम एम, इस तरह है ना। चलिए WBC की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, तो नॉर्मल पर्सन की बात करें, हेल्दी पर्सन की, तो कितनी होती है, लगभग आपकी 11,000 WBC होती है। अगर बच्चे की हम बात करें तो बच्चे में कितनी होती है, 10,000 to 12,000 के अप्रोक्स, 10 से 12,000 कितनी, 1000 लिख रहा हूं भैया, कंफ्यूज मत होना, ये लाखों में करोड़ों में मिलियंस में नहीं है, 1000 है, ठीक है, 1000 की बात कर रहे हैं, 10 से 12,000 के अप्रोक्स कितनी होती है WBC होती है।
ऐसे प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स भी अप्रोक्स 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख 4 लाख तक होती हैं, जबकि अगर अपन बच्चे में बात करें तो बच्चे के अंदर कितनी होती है डियर प्लेटलेट्स की, अगर हम कहें तो अप्रोक्स 3.5 लाख, अप्रोक्स कितनी होती है 3.5 लाख होती है किसके अंदर, 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती है। अब देखो कार्डिक आउटपुट नॉर्मल पर्सन का जब अपन निकालते हैं कितना बोलते हैं 80 ml, इतना ही होता है नॉर्मल एक बार में जो ब्लड पंप करता है उसकी बात करें तो लगभग कितना होता है 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से कार्डिक आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है। जबकि अगर अपन न्यूबॉर्न बेबी में बच्चे के हिसाब से देखें तो बच्चे की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 5 लीटर नहीं, अब देखिएगा यहाँ ब्लड की वॉल्यूम कितनी थी लगभग 240 ml है बच्चे में, जो कि अप्रोक्स 3 किलो का बच्चा है, तो यहाँ पर कार्डिक आउटपुट भी क्या होता है डिक्रीज होता है और लगभग कितना निकल कर आता है कार्डिक आउटपुट 500 से लेकर 700 ml के अप्रोक्स कार्डिक आउटपुट एक नॉर्मल बच्चे का निकल कर आता है जब हम देखते हैं, ठीक है। तो आप ये बात बताकर चल सकते हैं या फिर ये आपके याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि 250 ml पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे का क्या आता है आपने पास में कार्डियक आउटपुट जो है वो कार्डियक आउटपुट निकल कर आता है। तो आप ये डाटा भी ध्यान में रखकर चलिएगा। चलिए भाई इतनी भी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो आपको ध्यान रखकर ही चलना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ये नॉर्मल बातें हो गई जो आप लोगों को क्या करनी है भाई ध्यान रखकर चलनी है। चलिए अपन ने दो चीजें अभी तक पढ़ी हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, पहले अपन ने क्या पढ़ा वाइटल साइन पढ़े और वाइटल साइन के बारे में हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी है ब्लड जो और ब्लड की वॉल्यूम पढ़ी है, ब्लड के कुछ पैरामीटर्स पढ़े। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन बात करें तो बॉडी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करें डियर तो बॉडी पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना है पढ़ा है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो बच्चे की चेस्ट है वो चेस्ट क्या होती है हेड से कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे हेड सर्कमफ्रेंस तो एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता, बट चेस्ट सर्कमफ्रेंस इंसान का बढ़ता रहता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या होता रहता है एक पर्सन एक उसका जो पैरामीटर्स है वो क्या होते रहते हैं ऑलवेज गेन होते रहता है। तो बॉडी के कुछ पैरामीटर्स की बात करें हम, सबसे पहले हम बात करें कि नॉर्मल बच्चे का वेट, तो नॉर्मल बच्चे का वेट जो होता है वो कितना होता है 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के अप्रोक्स एक नॉर्मल बच्चे का वजन होता है जो कि अपन देखकर चलते हैं, ठीक है। और अगर अपन मैं इंडिया की बात करूं और इंडिया में एक्यूरेट वेट की बात करूं डियर तो इंडिया में एक्यूरेट वेट जो होता है वो 2.9 kg होता है, कुछ टाइम पहले 2.7 kg था अब 2.9 kg जो है वो अप्रोक्स वेट होता है। इसी तरीके से किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के बाद में हम बच्चे की लेंथ की अगर बात करें तो अप्रोक्स लेंथ जो होती है वो 45 to 55 cm के अप्रोक्स होती है। अब डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना अच्छा खाना मिला है कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, 45 भी हो सकती है 55, और एक एक्यूरेट देना है तो फिर हम कितना बोलकर चल सकते हैं हम 50 बोलकर चलेंगे तो भी हमारा गलत नहीं है, वो भी क्या होगा बिल्कुल सही होगा। चलिएगा दो चीज आप नोट करिएगा कि बॉडी का वेट कितना है वो भी आप नोट करें और सेकंड थिंग उसके बाद में बॉडी जो है उस बॉडी की लेंथ कितनी है वो भी आप क्या करके चले भाई नोट करके चले। नेक्स्ट चले और आगे की तरफ हम, तो आगे हम देखकर चलते हैं कि अब क्या आता है बॉडी में हेड सर्कमफ्रेंस आता है, क्या आता है हेड सर्कमफ्रेंस आता है। अब ये जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है अब देखो इसको ऐसे भी लिखा मिला होगा कई जगह पर एच लोग सी, मतलब ये क्या है हेड सर्कमफ्रेंस, और जब बच्चे का जन्म होता है तो हेड सर्कमफ्रेंस ऑलवेज ज्यादा होता है कंपेयर टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मतलब ये कितना होता है 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जबकि दूसरा मैं बोल दूं लगे हाथ समझा दूं आपको कि चेस्ट सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करके चलेंगे तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है एट बर्थ इससे कम होगा, कितना होगा वो 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक हो सकता है इसके बीच में ही हुआ। ऐसे बोलते हैं ना अगर बच्चे का सरवार आ गया तो बच्चे की डिलीवरी होना आसान है, हैं बच्चा बाहर जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर सरवार नहीं आता तो खोपड़ी बाहर नहीं आती जब तक बात यह कि खोपड़ी बड़ी होती है बच्चे की चेस्ट से। अब एक बार एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा लगे आती पूछ तो बताता हूँ मैं, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इक्वल कब हो जाते हैं, दो चीजें इक्वल कब हो जाती है एक तो हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो आंसर देखकर चलना कि ये दोनों इक्वल होते हैं 45 सेंटीमीटर जब दोनों की इक्वल है।
हेड भी और चेस्ट भी, और ये कब हो जाता है, वन ईयर पे हो जाता है, जब बच्चा एक साल का हो जाता है ना तब ये चीज देखी जाती है। तो ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊं एग्जाम में आया है, बहुत बार पूछा गया है। चल आगे चलता हूं फिर इसके, तो आप आगे ध्यान देकर चलें, और कुछ भी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा जो आप लोगों को बॉडी के पैरामीटर्स और उसमें ही ध्यान रखकर चलें। अब एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना होता है। भाई एब्डोमिनल जो चारों तरफ से मापा जाता है वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है उसके बारे में बताइए। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है ना वो कितना होता है डियर, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस आपका वही अप्रोक्स जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है उसके लगभग बराबर सा ही बोलकर चलते हैं अपन। तो ये भी कितना होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर के लगभग होता है। एग्जामिनर ने फिर आगे क्वेश्चन पूछा कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होता है। कौन सा भैया, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, हाथ की लंबाई की बात करी उसने, तो हाथ की लंबाई कितनी होती है 11 से लेकर लगभग 12 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है। कितनी होती है 11 टू 12 सेंटीमीटर अप्रोक्स मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है। तो कुछ डाटा, और वो डाटा जो इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम व्यू पॉइंट से भी जरूरी है, तो आप लोगों को क्या करके चलना है भाई, ध्यान रखकर चलना है। अब ध्यान नहीं रखोगे तो देखो नुकसान तुम्हारा ही है, मेरा तो जस्ट कर्म है, मैं कर रहा हूं और आप भी उसे फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, होप सो ऊपर वाला आपको भी बढ़िया देगा। कुछ पैरामीटर्स के बारे में जाना है, तो वो पैरामीटर्स आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पता रखने होते हैं या ध्यान रखने होते हैं, जिनके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम अगर बात करें कि किसी भी पर्सन की बॉडी का वेट जो हम निकालते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीएमआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, बीएमआई निकालते हैं, तो वो बीएमआई हमें पता होनी चाहिए कि बीएमआई जो निकलती है वो किस बेस पर निकलती है, कितनी होती है, ठीक है। तो बीएमआई तो वैसे देखो टॉपिक तो मोस्टली किसका होता है, टॉपिक किसका है मोस्टली, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, टॉपिक तो वैसे तो बॉडी मास इंडेक्स न्यूट्रिशन का है, जिसके बारे में भी मैं क्लास में डिस्कशन करूंगा आगे चलकर आपसे, न्यूट्रिशन भी हम पढ़ेंगे तभी। बॉडी मास इंडेक्स होता है। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या कहता है कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स की हम बात करें तो एक फीमेल का नॉर्मल होता है 80 to 24 और एक मेल का उतना होता है 90 to 25। अब इनमें कुछ कैटेगरीज डिवाइड है, जैसे कैटेगरीज की बात करें तो कि भाई साहब किसी का बॉडी मास इंडेक्स कितना आ रहा है 16 है तो बहुत ज्यादा थिन है, 16.5 है थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, ये सीवियर थिन है, ये मॉडरेट थिन है। फिर इसके बाद में अगर किसी का 16.5 या 17 आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसे कि ये माइल्ड थिन है, है? तो इसी तरीके से कुछ कैटेगरीज है। अब ऑब्वियसली की बात करूंगा तो वैसे ही चलूंगा, क्या चलूंगा कि मॉडरेट है ये, फिर और चलूंगा तो ये माइल्ड माइल्ड हो गया, फिर क्या हो जाएगा मॉडरेट हो जाएगा, फिर आगे जाऊंगा तो सीवियर हो जाएगा, मतलब ये बीएमआई। और वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वो वहीं पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे हम, वो अपन न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा जनरली तो आप लोगों को पता होता ही है कि क्या होता है, वेट को अपन किस में लेते हैं किलोग्राम में लेते हैं, और हाइट को हम किस में लेते हैं मीटर स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट में बोले तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आप लोगों को इन पैरामीटर्स के बारे में भी क्या करके चलना है भाई, ध्यान रखकर चलना ही चलना पड़ेगा वरना वाट लग जाएगी। चलो तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन करते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी का धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच एवरीवन।